अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अज़ीज़ खान दादा। हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है, जोश व जज्बे से तकारीब का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि दिन का आगाज़ वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। इस वक्त आप इस्लामाबाद के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। इसी तरह कराची, लाहौर, पिशावर, क्वेटा में भी 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। इस वक्त आपको कराची के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इसी तरह लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई जहां पर पाक आर्मी के जवानों ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस्लामाबाद की बात करें तो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जहां पर इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, मरकज़ी तकरीब मुनक्किद हुई परचम कुशाई की और वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम लहराया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी डायमंड जुबली इस वक्त जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। वो नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में, आप सबको न्यूज़ 24/7 उर्दू की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।